मड़ुआ रोटी, बादाम चटनी, माड़ भात खाएंगे, हॉकी खेले जाएंगे, मड़ुआ रोटी खाएंगे, दिला जीते जाएंगे। कौन जीतेगा? इंडिया। हॉकी जोहार। हॉकी जोहार। इस नैनो को फिट फाट करा लिया पेट्रोल भरा के हम लोग, और हम लोग का लक्ष्य है 15 तारीख को राउरकेला में इंडिया वर्सेस मैच देखना, हॉकी का वर्ल्ड कप। क्या लाए बाबू, दिखाओ। वाह, ये है मड़ुआ छिलका। मड़ुआ छिलका है, उसके साथ है बादाम का चटनी, सब्जी, बादाम का और इसके साथ ओल का चटनी रहता है। मैं गूगल लेवल को याद कर रही थी, देखो ये आ गया। ले 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 ले, क्या नाम है तुम्हारा? जोहर हॉकी दोस्तों, आपको तो पता है हम लोग काल की स्थिति में वापस आ गए। खूटी से हम लोग निकालने वाले थे राउरकेला तक का जो सफर है, लेकिन गूगल और एविड ने इतना परेशान किया कि हम लोग सोचे कि उन लोगों को लेके जाएंगे तो पूरा ट्रिप बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोग काल लौटे खूटी से, सारे बच्चों को बहुत अच्छी तरह से उन लोगों से विदा लेके, और आके इधर हम लोग गूगल और एविड को छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम लोग अभी आज चलेंगे, और मैं थोड़ा सा बहुत खराब लग रही हूँ क्योंकि मुंह में मैंने इधर टाइम यूटिलाइज करने के लिए कुछ लगा लिया है। आप देखते हैं, दिलीप का हालत बहुत खराब है, देखते हैं क्या हुआ है उसको। आइए, जोहार हॉकी। तो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं रांची टू राउरकेला, हॉकी का टूर करने जा रहे हैं, और उस हॉकी टूर को हम लोग कल ही शुरू किए थे, लेकिन खूंटी में गूगल और एविट ने हंगामा मचा दिया। सो हम लोगों ने सोचा कि भाई इससे आगे कार्यक्रम बहुत बाधित हो जाएगा, तो उन दोनों को यहाँ घर पे छोड़ दिए हैं। मैं एडिट कर रहा हूँ, और इसके आगे क्या करेंगे कि अभी हम लोग निकल जाएंगे रामलखन कॉलेज में टुसू पर्व मनाते हुए निकलेंगे। आज है 12 जनवरी। जोहार हॉकी कौन बोलेगा? जोहार हॉकी। हम आज 12 जनवरी है, कल हम लोग खूंटी से वापस लौट के रातों में रुक गए, क्योंकि रीजन गूगल और एविड है, उन दोनों को घर में छोड़ दिया, और आज निकल रहे हैं हम लोग सिमडेगा। रास्ते में कई जगहों से होते हुए जाएंगे, और हम लोग का लक्ष्य है 15 तारीख को राउरकेला में इंडिया वर्सेस मैच देखना, हॉकी का वर्ल्ड कप। और हम लोग यहाँ पर पेट्रोल पंप रातू में हैं, जहाँ पर हम लोग पेट्रोल भरा लिए हैं, और हमारा ये नैनो है, छोटा सा नैनो है, इस नैनो को फिट फाट करा लिए हैं पेट्रोल भरा के। हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे, और हम रुकते रुकते जाएंगे, 130 किलोमीटर है यहाँ से सिमडेगा, तो हम लोग को कई जगह पर रुकना पड़ेगा, और जो हमें रखेंगे उसके घर हम स्टे करेंगे। हाँ। चलो चलो रखेंगे हॉकी। दोस्तों, हम लोग राउरकेला जा रहे हैं, लेकिन अभी जो रास्ते में हीट बहुत ज़्यादा है, मतलब नहीं लगेगा कि विंटर, क्योंकि जो ठंडा वेव्स है थोड़ा सा मुझे लगा कि कम हो रहा है, बहुत गर्म। मैंने जैकेट वैकेट हम लोग उतार के हम दोनों रख दिए हैं गाड़ी में, तो अभी प्यास बहुत लगे है, लेकिन दूर दूर तक मुझे दुकान ही नहीं मिल रहा है ताकि हम लोग थोड़ा सा पानी, और हमारा जो बॉटल है आपको दिखा देते हैं, ऑलमोस्ट पानी ख़त्म है, एक ही बॉटल लेके हम लोग चल रहे थे, अभी पानी ले लेंगे। और हम लोगों को लंच भी किसी जगह करना पड़ेगा, वो भी दुकान नहीं देख रहे, आप लोग देख सकते हैं। मिल जाएगा, मिल जाएगा, भरोसा रखिए, ये रोड बहुत अच्छी है, हर 100 मीटर में नहीं मिल सकटा है। आदर्श बाल विकास हाई स्कूल लोधमा कटमगुटी। हाँ, तो हम इस स्कूल में रुके हुए हैं बच्चों से मिलने के लिए, कि वो लोग हॉकी खेलते कि नहीं खेलते हैं, क्या करते हैं। कुछ बच्चे खेलते हैं, गांव में खेलते हैं, लेकिन यहां से अब खेलना शुरू होगा, और आगे और भी लोग बच्चे मिलेंगे। चलिए, अच्छा बात है। हॉकी जोहार। हॉकी जोहार। कौन जीतेगा? इंडिया। हॉकी जोहार। हॉकी जोहार। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं कचाबारी मोड़ के पास, हम लोगों को मिल गया है ट्राइबल खाना, और हम लोग खाएंगे वहां पर ये चीज़ है, मड़ुआ छिलका खाएंगे हम लोग। हेलो, इधर आइए, ये है ट्राइबल किचन। हम लोग तो चल रहे हैं हॉकी मिशन लेके, उसमें हमें खाना तो पड़ेगा, तो बीच में हम लोग रास्ते में रुके हैं, ये अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल गया। देखिए कितना सुंदर है ये ट्राइबल किचन। आ गया है हमारे पास खाना, क्या लाए हो बाबू, दिखाओ। वाह, ये है मड़ुआ छिलका। मड़ुआ छिलका है, उसके साथ है बादाम का चटनी, सब्जी, बादाम का और इसके साथ ओल का चटनी रहता है। तो ये है, माड़ भात खाएंगे,
हॉकी खेले जाएंगे, मड़ुआ रोटी खाएंगे, तिला जीते जाएंगे। मड़ुआ रोटी, बादाम चटनी, सब्जी, ब्रेड फूड, आज लंच मड़ुआ रोटी, बादाम चटनी, सब्जी, ट्राइबल मधुमिता। और ये हम लोग खा रहे हैं ट्राइबल किचन में, राइट? हाँ, ट्राइबल किचन में, और इतना ट्राइबल फूड ही है। अब तो नहीं रहा है, दे दो, हल्का हल्का दे दो, ले सकते हैं। हमको एकदम अल्प, जस्ट टेस्ट करा दो, कोनो दिन खाई नहीं और जस्ट टेस्ट करो, एकदम अल्प। हाँ बस, ये तो टेस्ट है, ओरिजिनल टेस्ट है। तो मैं ओल की चटनी चाट रहा हूँ अभी। हाँ, गूगल भी याद कर रहे थे, कोई आ गया, देखो। आह, मजा आ गया। ओल की चटनी। कौन आ गया मधुमिता आपसे मिलने? मैं गूगल लेवल को याद कर रही थी, देखो ये आ गया। ओ ले 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 ले, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है बताओ, क्या नाम है? मधुमिता, आपका गेस्ट आया है, उसे खिलाइए। हाँ, मैं गेस्ट को खिला रही हूँ। हाँ, लो। वाह, क्यों केवल उससे खाएगा? लो इधर, लो मेरे से, लो लो इधर, इधर जा। तुम्हें मानी चुका सब्जी कि खाने का अंदाज़ा नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोग बार बार रोटी बनवा रहे हैं, राइट? और हमारे साथ एक गेस्ट आ गया है खाने के लिए हमारा। हाँ बेटा, इधर ही है हम लोग। क्या नाम है तुम्हारा? हमारे गूगल और एविट की कमी पूरी कर दी इसने। हाँ, इस पूरे जो यात्रा है हम लोगों की, वो यात्रा है रांची टू राउरकेला हॉकी वर्ल्ड कप के लिए। जोहार हॉकी जो गाना है उसको साथ लेकर चल रहे हैं हम लोग। तो खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमारा नाम ही चैनल का मधु दिलीप फूड एंड लाइफ। लाइफ हम क्या बिता रहे हैं आपको पता है, और खाना क्या खा रहे हैं। तो यही देखिए कि इस जगह पर लोधमा के पास हम लोग रोटी खा रहे हैं, छोटा सा ट्राइबल किचन है यहीं पर। और हमें मिला है रोटी, मड़ुआ रोटी पहले खाए, उसके बाद आटे की रोटी खा रहे हैं, और साथ में खा रहे हैं हम लोग चटनी, ओल की चटनी, बादाम की चटनी, और ये है सब्जी। इतनी अच्छी सब्जी है कि पहचानना मुश्किल हुआ। बाद में हमें पता चला कि ये कोहड़े और आलू की सब्जी है, बहुत ही शानदार बनाया है। तो बस यहाँ के लिए हम लोग ख़त्म करते हैं, और उसके बाद आगे चलते हुए बाकी चीज़ें दिखाएंगे। जोहार हॉकी, चलो खेले हॉकी, बाय बाय। अब हम लोग चलते यहाँ से, थैंक यू दादा, ट्राइबल किचन से खा के अच्छा लगा। आगे की यात्रा बड़ी शानदार होगी। रोड, मेन रोड उधर है जो बन रही है, इसलिए हमें ये बाईपास पे जाना पड़ रहा है, डाइवर्जन पे जाना पड़ रहा है। लोग हॉकी खेलती है कि नहीं खेलती? एक मिनट रुको, तुम लोग, चलो चलो चलो, तुम लोग हॉकी खेलते हो? तुम लोग हॉकी खेलते हो क्या? हॉकी खेलते हो? नहीं खेलते। कहाँ खेलते हैं? यहाँ पर। जोहार हॉकी, जोहार हॉकी, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा।